नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और जनता मांगे जवाब की सवारी पहुंच चुकी है सिवान। हर बार की तरह इस बार भी देख सकते हैं जनता बड़ी तादाद पे है। सिवान की जनता है जिन्हें तय करना है इस वोट देकर कि किस उम्मीदवार को का ये चयन करते हैं। दूसरी तरफ एनडीए के लोग हैं, उसके बगल में महागठबंधन के लोग हैं और तीसरा मोर्चा जो है उसके भी यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं। जनता के पास चलते हैं, सिवान के विकास की बात करते हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या सवाल हैं उनके मन में? अभी 3 साल की डिग्री को 5 साल में दिया जा रहा है। सवाल किससे यहाँ चलते नहीं है और क्लास भी अच्छा से नहीं चल रहा है, इसके लिए महागठबंधन। सारे सवाल महागठबंधन से ही आपके पास आते हैं, फिर वही शिक्षा का ही जवाब। जी जी, शिक्षा की व्यवस्था पर अगर छात्रों का थोड़ा सा एक क्लेम है कि कहीं ना कहीं जो है सेशन लेट है, तो मैं आपको एकदम आश्वस्त करना चाहता हूं कि सेशन सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार की जो वजह से नहीं लेट है। आप देश के मानचित्र पर ही अब ध्यान दीजिएगा तो अदर स्टेट में भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है छात्र जो झेल रहे हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। बेशक हमारी सरकार जो है इस पर पहल करेगी और कोशिश भी करेगी। हाँ बताइए। शिक्षा की हालत यही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हुए 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष में एक भी प्रोफेसर का लेक्चर का बहाली तक नहीं हुआ। हर 6 महीना पर एडमिटमेंट निकाला जाता है कि इसका ऐसे बहाली होगा। 10 साल में सारे विभाग खाली पड़े हैं और विभाग खाली पड़ने से बच्चे जो हैं केवल कोचिंग में जा रहे हैं, न कि कॉलेजों में जा रहे हैं। आज कोचिंग का संख्या सिवान में हजारों के ऊपर पहुंच गया है। इसलिए पहुंच गया है कि ताकि शिक्षा व्यवस्था टोटल चौपट हो चुका है, अगर कोचिंग नहीं रहे तो बच्चे पढ़ने से बेकाबिल हो जाएंगे। सिवान में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से महागठबंधन बना हुआ है, जब से बहुत सिवान में बहुत सारे अपराध, बहुत सारे मर्डर, बहुत सारे अपराध बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। महागठबंधन बनने के बाद अपराध पे सवाल है, सिवान में अपराध बढ़ा है, क्या जवाब है इसका? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों की कोई राजनीतिक जो है ये नहीं है। और कोई भी सरकार, कोई भी देश में अगर मौजूदा सरकार हो, अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। मैं एनडीए वाले लोग से भी कहूंगा, 8 साल इन लोग जो है सत्ता के साथ रहे हैं, नीतीश जी के साथ रहे हैं, क्या इन लोगों ने रोकने का काम किया? नहीं। अपराधी कल भी थे और आज भी, लेकिन मेरी सरकार उस पर काम कर रही है और सरकार के एक मुहिम के तहत अपराधी जेल की सलाखों में बंद है और स्पीडी ट्रायल का सामना कर। हाँ जरा बताइए। मैं महागठबंधन के नेता जो है नरेंद्र जी, वो इस अपराध से हमारे बंधु जो प्रश्न उठाया है वो खुद ग्रसित हैं, क्योंकि उन पर भी जमलेवा हमला हो चुका है। और ये जब से भाजपा से नीतीश कुमार भाजपा के पीठ में छुरा भोंके, उसके बाद से जिस समय से लालू यादव के साथ पकड़े उसके बाद की घटना है। नीतीश जी 2005 में सत्ता में आए, जिसको पानी पी पी कर ये कोस रहे थे, उसी के अगेंस्ट में लड़के ये सत्ता में आए। आज जब ये उनके साथ महागठबंधन बना लिए हैं तो ये ड्यू टू ओनली रीजन नरेंद्र मोदी के विरोध जी में कहकर, हम इसका जवाब लेंगे। तो ये एक मिनट से नरेंद्र मोदी को इसको धन्यवाद तो देना चाहिए कम से कम महागठबंधन के नेताओं को कि उन्होंने दो हम पता इसका जवाब लेंगे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि धूर विरोधी लोग एक साथ आ गए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बारे में पूछा जा रहा है। जब भी समाज में कुछ हकमारी की बात होती है तो जिस तरह घर के बिछड़े हुए एक घर के एक मंच के तहत आते हैं, ठीक उसी तरह भारतीय राजनीति में आज भारतीय राजनीति इस मुद्दे तक पहुंच गई है कि देश की धारा दो विपरीत धाराओं में बढ़ चुका है, एक धर्मनिरपेक्षता और एक जो है सेकुलर। जी वही मैं बताना चाहता हूँ। भाई का एक सवाल था, जिस देश के प्रधानमंत्री का जात किसी को नहीं मालूम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ। यहाँ किसी से पूछिए कि भारत के नरेंद्र मोदी किस जाति से बिलोंग करते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। सबसे पहले तो मुझे बिहार में पैदा होने पर आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं या जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, सबसे पहला उनका किसी भी चुनावी भाषण में जाते हैं तो केवल जात पात, केवल जात, क्यों जाति पूछी जाती है? जात पूछकर क्यों, जात का मुद्दा क्यों है? महागठबंधन से ये पूछेंगे क्यों जात पात को मुद्दा बनाया जा रहा है? मेरी पार्टी कहीं भी जातिगत बात नहीं करती है, लेकिन एक बात है, जिस तरह 1933 एक मिनट मेरी बात सुनिए, जिस तरह 1933 में भारतीय जनगणना की कोशिश की गई थी और जनगणना में ये बताया गया था, आज ठीक उसी तरह लालू यादव ये मांग करते हैं कि भारत में अगर कचरा उठाने वाला कोई है तो वो किस जाति का है, भारत में अगर कोई भिखमंगा है तो वो किस जाति का है। जात-पात की बात कर, अभी एनडीए के नेता जो है वो प्रधानमंत्री की जात पूछ रहे थे। अरे वो भारत के एक नागरिक महागठबंधन नेता, अभी वो
ये मेरा जानने का हक है। वो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, यही कर्म है। महागठबंधन के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुस्लिम में पसमांदा बनाने का काम किया, पिछड़ा में अति पिछड़ा बनाने का काम किया। वो जाति पर राजनीति करते हैं और महागठबंधन की अभी सरकार नहीं चलेगी जब तक वहाँ जात पात नहीं छोड़ेंगे। मेरे यहाँ तो कोई न बिजली का विकास है और न कोई रोड का विकास है। चलिए, हम लोग इस महागठबंधन से पूछेंगे ना सड़क न बिजली क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं यहाँ भी विकास हुआ है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और बिजली जहाँ बिहार में नदारत थी, आज मेरा दावा है कि कम से कम 18 घंटा दिया जाता है। और सड़क जहाँ की गड्ढे में तब्दील पूरा बिहार हो गया था, वहाँ हर जगह सड़क बनाया गया, पुल पुलिया का विकास हो रहा है, मेंटल विकास हो रहा है, बिहार के लोगों का मेंटल विकास हो रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझते थे। इस पे जवाब ले लेते हैं, इस पे जवाब जरा ले लें। हमारे बंधु सिवान में बिजली की बात करते हैं, पूरे बिहार में अगर केंद्र बिजली नहीं दे तो बिहार अंधेरे में डूब जाएगा। अभी बिहार सरकार के द्वारा जहां बिजली उत्पादन का संयंत्र लगाया गया है, सारे बिजलियां संयंत्र ठप हो चुके हैं। अभी केंद्र के मेहरबानी पर पूरे बिहार में बिजली मिल रहा है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, हम पब्लिक के पास चलते हैं, आएंगे फिर आपके पास आएंगे। बताइए, इन एक सवाल लेने दीजिए पहले। नीतीश जी बहुत महान आदमी है, जब बीजेपी के साथ थे तो विकास किए, आज जब बीजेपी के साथ हट गए तो विकास क्यों भूल गए? पूर्वाग्रह से अगर कोई लोग ग्रसित है तो उसके मेंटल वॉश को हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही सत्य है कि बिहार में विकास हुआ है, बिहारियों का मान सम्मान बढ़ा है और नीतीश जी एक अच्छे नेता हैं। आपके जो नहीं वही आरजेडी के, ये कुछ इस पे बोल ही नहीं रहे। नहीं, आप पूछिएगा तब ना हम बोलेंगे। कुछ नहीं, लोगों का आरोप है, यहाँ पर आरोप है कि यहाँ की जनता कहीं उसको कहीं किसी भी नेताओं से उसको डर नहीं है और उस लायक यहाँ पर कोई नेता नहीं है जिस नेता से कोई डर है। यहाँ के भी जो भी नेता है सुधा सपाटा नहीं, देखिए देखिए देखिए, एक भावना होती है जंगलराज पाटू, यही है। 15 साल तक लालू जी ने जो राज चलाया वो जंगलराज पाटवन था। 7 साल तक भाजपा के साथ जो शासन था उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था। जब से नीतीश जी ने भाजपा के पीठ पर खंजर घोपा तो एक सेकंड तो जंगल राज पार्ट 2 चालू हो गया है। हमारे आपकी बात समझी हमने, जरा एक और इसका जवाब, जंगल राज की बात हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार में फिर जंगल राज वापसी की जो भूमिका है वो तैयार किया जा रहा है। जो लोग योग्य हैं उनको कहीं नहीं लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टिकट बंटवारे में भी महागठबंधन में नॉन मैट्रिक लोगों को टिकट दिया गया और उनको कहा जाता है अब युवाओं का नेता बनिए। क्या भाग्य है इस बिहार का। सभी यही कह रहे हैं कि जब पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनेगी तब वो बिहार का पूर्ण विकास करेंगे। चलिए, हम भी इसका इंतजार करेंगे और फिर अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल सिवान से हम विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ प्रशांत कुमार, लाइव इंडिया, सिवान। भैया देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमरी बारी।